Good morning, class. How are you? I know all are good. Students, today is your math class. Okay. I have finished chapter 5, division. Okay. And today I will start the chapter 6, multiples. But firstly, I will solve the revision exercise of chapter 5 some doubt problems. Okay. After that, we will start chapter 6, multiples. Okay. चैप्टर 6 मल्टीपल्स हम स्टार्ट करेंगे और आप उसको अच्छे से समझोगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन क्लियर इन डाउट क्लास. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स द रिवीजन एक्सरसाइज. ओके, रिवीजन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12. ओके, कुछ ऐसे डाउट क्वेश्चन थे जो मैं आपको इसमें क्लियर कर दे रही हूँ और इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो. देखिए क्वेश्चन नंबर 12, टू गेट ए कोसेंट ऑफ 58 व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 17. ओके, इसमें क्या दिया गया है, कोसेंट आपको दे दिया गया है. ओके, कोसेंट आपको बता दिया गया है. टू गेट ए कोसेंट ऑफ 58 व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 78. इसमें कहा है कि 58 कोसेंट प्राप्त करने के लिए किस नंबर से आपको शुड बी डिवाइडेड बाय 17 से डिवाइड करना चाहिए. तो इसका मतलब यह कोसेंट आपको 58 यहाँ दिया गया है और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिवीजर कहते हैं. ओके, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या करते हैं, डिवीजर, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं. तो यहाँ पर डिवाइडेंड निकालना है आपको, पूछा है किस नंबर, मतलब 17 से किस नंबर को डिवाइड किया जाए. ओके, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 17. तो इसका मतलब ये हुआ आपको यहाँ पर डिवाइजर दे दिया गया है, कोसेंट आपको दे दिया गया है, आपको निकालना क्या है, डिवाइडेंड. तो इस प्रॉब्लम में देखिए कोसेंट आपका 58 है, डिवाइजर 17 है, आपको निकालना क्या है, डिवाइडेंड. तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, कोसेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड. इसमें रिमाइंडर आपका 0 है. तो कोसेंट देखिए आपका क्या है, 58. तो 58 में हम डिवाइजर का मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर चूँकि 0 है आपका. ओके, हमारा क्या निकल आएगा, डिवाइडेंड. इस तरह से फार्मूले का यूज करके आप इसको सॉल्व करो. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 986. आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आपका क्या निकल गया, 986 आपका डिवाइडेंड मींस नंबर निकल गया. ओके, डिवाइडेंड मींस ये क्या हो गया आपका, नंबर क्या हो गया, नंबर इज 986. ओके, ये आपका हो गया आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हाउ मेनी डजन्स मेक 7476. ओके, आपको क्या बताना है कि 7476 में कितने डजन होंगे, डजन मीन्स दर्जन, कितने दर्जन होंगे. तो यू नो वेरी वेल दैट वन डजन इज इक्वल टू ए सेट ऑफ 12. एक दर्जन, एक डजन हम किसको कहते हैं, 12 के सेट को. मीन्स किसी भी चीज़ का 12 सेट क्या कहलाता है, एक डजन एक दर्जन कहलाता है. जैसे आप मार्केट जाते हो बनाना लेने, बनाना किस में आपको लेना पड़ता है, बनाना आप डजन में बाई करते हो. ओके, डजन में खरीदते हो, दर्जन में खरीदते हो. तो जब 12 बनाना वो देता है आपको, तो इसका मतलब हो गया एक दर्जन. तो यहाँ पर देखिए एक दर्जन मतलब 12 सेट. ओके, तो आपको बताना है कि इतने सेट में, ओके, इतने सेट में कितने दर्जन होंगे. तो वन में 12 होते हैं. ओके, वन डजन में 12 सेट होते हैं, आपको निकालना क्या है, डजन निकालना है. ओके, आपको डजन निकालना है, आपको सेट दिया गया है. ठीक है, तो आपको जो दिया गया है और जो निकालना है, जो दिया गया है उसको पहले लिखते हैं और जो निकालना है उसको हम बाद में लिखते हैं. ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए आपको क्या सेट दिया गया है और डजन बताना है. तो सबसे पहले हम सेट लिखेंगे. आप जानते हो ना कि 12 सेट इक्वल टू 1. ओके, आपको निकालना क्या, आपको डजन निकालना. देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हाउ मेनी डजन, तो डजन को हम बाद में लिखेंगे और हमें जो मालूम है वो पहले लिखेंगे. 12 सेट इज इक्वल टू 1 डजन. अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास है 7476 सेट. ओके, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 7476
सिक्स सेट में कितने डजन होंगे। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से, अगर यहाँ पे सेट दिया है तो उसके नीचे सेट ही लिखेंगे, अगर जो हमें निकालना है उसके ऊपर वही चीज़ लिखेंगे। डजन हमें दिया गया, डजन ही निकालना है। अब हम क्या करते हैं, हम ये तो आप जान रहे हो अच्छी तरह से कि हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, लेकिन हम इस तरह से अगर हम राइट करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। हम इन दोनों को, इन दोनों के साइड को मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड में जो रहता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि वन ही है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7476, और इसमें आप किससे डिवाइड करेंगे, 12। ओके, इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, और वैसे भी इजली आप देख सकते हो कि 12 सेट इक्वल टू 1 डजन। ओके, 1 का दे दिया गया है, इतने सेट इक्वल टू कितने डजन होंगे, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ओके, 12 एक में बदल गया, इतना सेट कितने डजन बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ईजली आपको समझने के लिए ये मेथड है। हम इस तरह से पहले सेट के नीचे सेट लिख लेंगे, जो हमें मालूम होगा वो ऊपर लिखेंगे, और जो हमें निकालना होगा, जो हमें निकालना होगा उसके सामने लिखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया गया होगा और उसके बारे में जो पूछा होगा उसको यहाँ पर छोड़ देंगे उसके लिए स्पेस। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 7476/12, इसको आप अलग से रफ में डिवाइड कर लीजिए, 7476। ओके, हम 12 से इसको डिवाइड करते हैं, टेबल रीड करते हैं, 12 1 जा 12 2 जा 12 1 जा 12 12 2 जा, देखिए 74 को हमें डिवाइड करना, हम टेबल रीड करेंगे 74 हमारा डिवाइड हो जाए। ओके, तो 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा 60 और 12 7 जा 72। ओके, और 12 8 जा 84, तो 12 8 जा देखिए 84 आपका क्या हो जा रहा है, 74 से ज़्यादा हो जा रहा है। ओके, तो 84 इससे डिवाइड माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कितने टाइम ले जाएंगे इससे, तो हम देखिए 12 7 जा आपका क्या आ रहा है, 84। ओके, तो हम कितने टाइम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे 6 टाइम, क्योंकि 12 7 जा 84 ज़्यादा हो जा रहा है, 74 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम जो है 6 टाइम ले जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर 6 टाइम ले जाएंगे, 12 7 जा 72, ये 2 हो गया आपका, कट गया। अब नेक्स्ट जो डिजिट होता है हम नीचे राइट कर लेते हैं, आप जानते हो। अब हम 27 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 ग्रेटर दैन 27, तो हम कितने टाइम ले जाएंगे, 2 टाइम, हम 1 लेस कर देते हैं ना, 12 2 जा 24। ओके, यहाँ देखिए माइनस करेंगे, 7 4 माइनस किया, ये 3। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा 6, अब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया, 623। तो इसमें 623 डजन आपके होंगे इतने सेट में। ओके, तो इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे है, आप कर लोगे। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर अपना, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सबसे पहले हम मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में हम फैक्टर के बारे में समझेंगे। ओके, हमारा क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज मल्टीपल्स को रिलेटेड है, इसलिए हम पहले मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। व्हाट इज मल्टीपल्स, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल्स आपको मल्टीपल से आपको याद आ रहा होगा, मल्टीपल कहाँ यूज हुआ, मल्टीप्लाई में। ओके, मल्टीपल्स कहाँ आपका यूज हुआ, मल्टीप्लाई में, इसका मतलब मल्टीप्लाई से ये कुछ ना कुछ इसका संबंध है, तो मल्टीप्लाई से ये संबंध है बच्चों, इसका ये रिलेशन है कि मल्टीप्लाई, जैसे किसी भी नंबर में आप कोई किसी नंबर का अगर आपको मल्टीपल्स निकालना है तो उस नंबर में आप जिस भी नंबर से निकाल मल्टीप्लाई करोगे वो जो प्रोडक्ट आएगा उस नंबर का मल्टीपल्स कहलाएगा। ओके, जैसे जिस नंबर का हमें मल्टीपल्स निकालना है, ओके, जिस नंबर का मल्टीपल्स हमें निकालना है, सपोज करिए हमें 2 का मल्टीपल्स निकालना है, तो 2 का मल्टीपल्स निकालने के लिए आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, चाहे 1 से करिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, 2 7 जा
14, 2 8 जा 16, तो ये जो प्रोडक्ट आपका आएगा ये क्या कहलाएगा, ये 2 का मल्टीपल्स कहलाएगा, ओके 2 का मल्टीपल्स कहलाएगा, ओके। और 2 में जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 आएगा, इसका मतलब 2 का मल्टीपल्स 16 क्या है, 2 का मल्टीपल्स है, मतलब 16 जो है, अगर आपसे कोई कहे कि 16 2 का मल्टीपल्स है कि नहीं है, तो आप सोचोगे कि 2 में हम किसी ना ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 16 आ जाए, तो 2 16 का मल्टीपल्स होगा। अब जैसे 2 है, अब आपसे पूछा जाए कि 2 जो है 30 जो है 2 का मल्टीपल्स है या नहीं है, तो आप यहाँ पर सोचोगे कि कोई ऐसा नंबर होगा जिससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 30 आ जाता है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब 30 जो है 2 का मल्टीपल्स है। अगर 30 नहीं आता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, तो दिस मीन्स 32 का मल्टीपल्स नहीं है, ओके। तो अब कैसे चेक करोगे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 5 जा 10, क्या आया 15, तो यहाँ पर 15 राइट करिया। अब देखिए 2 15 2 जा 30, क्या हो गया 30, दिस मीन्स 30 क्या है, 2 का मल्टीपल्स है। तो इस तरह से बच्चों आप समझ लो कि जो टेबल आप राइट करते हो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 1 जा 3 4 1 जा 4 4 1 जा 1 4 2 जा 8, ओके। तो सभी टेबल लिखते हो, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसके उस नंबर के क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, सारे टेबल मल्टीपल्स पे बेस होते हैं। इसका मतलब ये होगा जितने भी टेबल हैं वो क्या है, उस नंबर के टेबल में जो आपका आता है नंबर 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4, ये जितने भी नंबर्स हैं ये 4 के मल्टीपल्स हैं, ओके। 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो 5 के मल्टीपल्स हैं। 6 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो 6 के मल्टीपल हैं। 7 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो 7 के मल्टीपल्स हैं। तो इसका मतलब जो हम टेबल राइट करते हैं, जिसका हम टेबल राइट करते हैं, वो सारे नंबर जो उसके मल्टीपल्स होते हैं, ओके। हम 12 का टेबल राइट करते हैं तो 12 के सभी जो है क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का टेबल राइट किया गया है, ओके। 2 का टेबल क्यों राइट किया गया, अब 2 का यहाँ पर मल्टीपल्स निकाल गया, 2 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, 2 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का मल्टीपल्स करेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 तक राइट किया गया, तो ये 2 के सारे क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए बॉक्स बना हुआ है, राइट द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 का आपको फर्स्ट 8 मल्टीपल्स लिखना है। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स का 6 में आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 1 है, तो 6 में पहला मल्टीपल्स आप निकालोगे 6 1 जा 6, ये आपका फर्स्ट मल्टीपल्स हो गया। फर्स्ट मल्टीपल्स मतलब स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अब स्टार्टिंग आपकी 1 से होगी, ओके। तो 1 से स्टार्टिंग होगी, तो 6 1 जा 6, और सेकेंड मल्टीपल्स 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12, थर्ड मल्टीपल्स आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 जा 18। इस तरह से आप 6 का टेबल कितनी टाइम लिख लोगे, फर्स्ट 8 निकालना है आप 8 टाइम राइट करोगे, ओके। 6 4 जा 6 5 जा 6 6 जा 6 7 जा 6 8 जा, ओके। ये एक सीरीज वाइज आपका मल्टीपल्स हो गया, फर्स्ट मल्टीपल्स, सेकेंड मल्टीपल्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। अब हम इसका यहाँ पर प्रोडक्ट लिख लेंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट एट मल्टीपल्स। अगर आपको 9 कहा जाए तो आप यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीपल्स निकालना हो 10 से। जैसे देखिए इसका एग्जैक्ट डिफिनीसन क्या होगा, सो द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड ए काउंटिंग नंबर 1 2 3 etc इज कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, ओके। सिमिलरली मल्टीप्लाई ऑफ 4 4 8 12 16 20 etc। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड ए काउंटिंग, काउंटिंग नंबर कैसे मल्टीपल्स हुआ, इसमें देखिए काउंटिंग नंबर जहाँ 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे 1 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, ओके।
तो वन के मल्टीपल्स तो सारे नंबर होंगे, जो भी नंबर्स आप जहाँ तक भी नंबर काउंट कर सकते हो वो सारे क्या हैं, वन के सभी वन के मल्टीपल्स हैं। तो इसलिए हम काउंटिंग नंबर को भी मल्टीपल्स कह सकते हैं वन का, और जो प्रोडक्ट होते हैं नंबर के वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो सो द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड ए काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स क्या है। अब इसके बेस पर आप एक्सरसाइज 6.1 के फिफ्थ क्वेश्चन तक आप इजीली कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, राइट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ एट, एट के फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स सीखने हैं। दिस मीन्स एट का आपको फाइव टाइम टेबल लिखना है। ओके, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स मीन्स एट का पहले वन में मल्टीप्लाई करेंगे, एट का टू में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स एट वन जा एट यहाँ पर है ही, और हमें आगे का लिखना है एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, एट फोर जा थर्टी टू, फोर्टी। ओके, फाइव हमें लिखना है ना, तो हम फाइव लिखेंगे। ओके, ये हमारा हो गया फोर, तो ये आपका हो गया फाइव, टोटल फाइव मल्टीपल। देखिए फर्स्ट मल्टीपल्स तो एट है ही, ओके, फर्स्ट मल्टीपल्स तो एट है ही, और ये बाकी फोर हो गए। ओके, तो टोटल फाइव मल्टीपल्स हो गए। अब यहाँ देखिए नाइन, नाइन के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो नाइन का फर्स्ट मल्टीपल्स नाइन है ही यहाँ पर, आगे का आप फाइव टाइम टेबल लिख दोगे। ओके, तो आगे का बच्चों आप खुद करोगे। अब ट्वेंटी टू है, तो ट्वेंटी टू वन जा ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू टू जा 44, ओके, ये सेकेंड मल्टीपल्स हो गया। थर्ड मल्टीपल्स थ्री का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 66, फोर्थ मल्टीपल इसमें फोर का मल्टीप्लाई करेंगे 88, ओके, फाइव मल्टीपल फाइव का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव टू जा टेन जीरो, वन कैरी, फाइव टू जा टेन और वन 11। तो ये हमारा हो गया टोटल फाइव मल्टीपल्स। ओके, सेकेंड है इन सर्किल द नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ सेवन। इसमें आपको सर्किल करना है कि कौन से नंबर जो है सेवन के मल्टीपल्स हैं। ओके, तो सेवन का मल्टीपल्स मतलब सेवन के टेबल में या सेवन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने से ये नंबर्स इसमें से कुछ वो जो मल्टीपल्स होंगे वो नंबर आने चाहिए। तो पहले 71 चेक करेंगे। ओके, 71 जो है सेवन का मल्टीपल्स है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 71 को सेवन से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब जो आएगा आपका कोशेंट वो क्या हो जाएगा, उस नंबर से आपको सेवन से मल्टीप्लाई करने पे आपका मल्टीपल्स यही आ जाएगा। पहले हम चेक करेंगे 71 डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 71 आपका डिवाइड नहीं हुआ, तो ये आपका मल्टीपल्स नहीं है। 17 आपका सेवन से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये भी आपका मल्टीपल्स नहीं है। 35 आपका सेवन से डिवाइड हो जाएगा, 75 जा 35। ओके, सेवन में जब हम फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 35 प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब 35 जो है सेवन का मल्टीपल्स है, तो इसे हम सर्किल कर देंगे। सेवन भी सेवन का मल्टीपल्स होगा, सेवन वन जा सेवन, 27। देखिए 27 सेवन से डिवाइड नहीं होगा, सेवन टू जा 14, थ्री जा 21, फोर जा 28। तो 27 मल्टीपल्स नहीं है सेवन का। इसी तरह से बच्चों आप सारे नंबर्स चेक कर लोगे। यहाँ पर देखिए ध्यान देना, इन सर्किल दी नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ थ्री। यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन से थ्री के मल्टीपल्स नहीं है। ओके, कौन से थ्री के मल्टीपल्स नहीं होंगे, जो थ्री से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे नंबर का आपको देखना है इसमें, जो थ्री से डिवाइड नहीं होंगे वो थ्री के मल्टीपल्स नहीं होंगे, और जो थ्री से डिवाइड हो गए वो मल्टीपल्स होंगे। तो आपको यहाँ पर उन नंबर्स को सर्किल करना है जो थ्री से डिवाइड नहीं होंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है खुद। यहाँ देख लीजिए, इन सर्किल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ वन। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे नंबर को सर्किल करिए जो वन के मल्टीपल्स हैं। तो आप जानते हो कि वन के मल्टीपल्स सभी नंबर्स होते हैं। ओके, क्योंकि वन में हम सभी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो ये वन, क्योंकि हम जिस भी नंबर का वन में मल्टीप्लाई करेंगे वो स्वयं वही नंबर आएगा, आप जानते ही हो। तो इसमें जो मल्टीपल्स होंगे वो सभी हो जाएंगे, सारे नंबर्स जो है वन के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ओके, तो बच्चों ये फिफ्थ तक क्वेश्चन आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे का मैं आपको जो है नेक्स्ट टर्न पर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, यहाँ तक आप वर्क कंप्लीट कर लोगे और ये पिछले चैप्टर की रिवीजन एक्सरसाइज तक आप फिनिश कर लोगे। ओके, बाय।